दोस्त, आज मैं आप सभी को लेके चलने वाला हूँ एक एक्साइटेड बजट ट्रिप पे, जहाँ आपको मिलने वाला है सुकून, शांति और एडवेंचर, ऑल विद इन अ पॉकेट फ्रेंडली बजट। हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक हिडन जेम कसौल। यहाँ का वाइब एकदम मस्त रिलैक्स फील कराएगा। वैसे तो कसौल थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन यहाँ आने के लिए एक सिंपल बस रूट अवेलेबल है। अगर आप अपनी व्हीकल से यहाँ आते हैं तो और भी बेटर है। और ये जर्नी फुल ऑफ सीनरी से भरा हुआ है, मंजिलों से ज्यादा तो रास्ते यादगार बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे स्टे की। कसौल में हमने चूज किया है टेंट में स्टे करना, क्योंकि लाइफ में एक बार टेंट का भी मजा तो लेना ही चाहिए, जो बजट ट्रैवलर के लिए एकदम अमेजिंग ऑप्शन होता है। हम हिमट्रे रिवर साइड कैंप में ठहर रहे हैं। इनकी दो प्रॉपर्टी है, एक रिवर साइड के बिल्कुल पास में है, थोड़ा सा अंदर जाके है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप बस ड्राइवर से बोल दीजिएगा, आपको हिमट्रे के पास में बिल्कुल उसी के पास में उतारेगा, और वहाँ से बस आपको 500 से 600 मीटर चलना है। बस फन करते हुए, आप एक्सपीरियंस लेते हुए में आप आ जाएंगे रिवर साइड इनके कैंप। हमारा स्टे रिवर के उस साइड में है, हिम ट्रैक स्टे। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। ब्रिज इज आवर मेन सोर्स, मेन ब्रिज देख रहे हो। इनके कैंप में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं रहने के लिए। बजट फ्रेंडली टेंट है, डोरमेट्री है, और इवन कॉटेज भी आपके ग्रुप के साइज़ के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप चूज कर सकते हो, आपको 3 लोगों का टेंट चाहिए, 2 लोगों का टेंट चाहिए, या फिर आपको कॉटेज चाहिए, या फिर आप जो है यहाँ पे सिंगल बेड पर्सन पे ले सकते हो। इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जो सीज़न के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो आप ऑनलाइन चेक करके बुकिंग कर लीजिएगा पहले जाने से। भाई, ये है हिम ट्रैक स्टे, और यहाँ पे आपको इस तरीके से सफारी कैंप इसको बोलते हैं, मतलब इनका एक ये है और दूसरा है डोम टेंट है, एक सफारी टेंट है। हमने फिलहाल इसमें बुकिंग लिया है, ठीक है। इसमें 3 लोगों का है, इसमें 2 जनों का है, और बाकी इनके पास में रूम भी है और डोरमेट्री में भी रह सकते हो आप। एक ये कॉटेज टाइप का भी है, कॉटेज में भी आप ले सकते हो। बाकी ओपन एरिया यहाँ पे बॉनफायर होता है 8 बजे के करीब में, और ये एरिया सब यूटिलाइजेशन के लिए है। वॉशरूम यहाँ पे कॉमन है, कॉमन वॉशरूम लेडीज मेल फीमेल दोनों के लिए है। बाकी नज़ारे आप देखोगे तो नज़ारे एकदम कमाल के आपको दिखेंगे। ये देखो, एकदम ऊँचे से पहाड़ वहाँ से दिख रहा है फुल व्यू, तो व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। बाकी आप रहना चाहो तो आप रह सकते हो। और ये जो है मेन रोड से करीब करीब आपको, देखो भाई रियली बताओ तो 600 मीटर पर जाता है, चलते चलते आप थोड़ा सा परेशान हो गए, अगर ज़्यादा सामान है तो आपको थोड़ा परेशानी तो जरूर होगी। आप इनका दूसरा वाला भी एक स्पेस देख सकते हो, जो कि पास में पड़ता है, बट वो थोड़ा सा महंगा रहता है। वो नदी के पास में भी है और मेन रोड से भी थोड़ा पास पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये भी जगह काफ़ी अच्छी लगी मुझे, थोड़ा चीप एंड बेस्ट में मिल जाता है, आपको प्राइस भी बढ़िया मिलेगा। और उसके बाद आपको नदी बीच से है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ करीब 200 मीटर दूर है। अब देखोगे तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, तो वहाँ नदी जा रही है, मतलब कि बिल्कुल क्रॉस में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, मतलब 2-3 बिल्डिंग बाद वहाँ पे वहाँ नदी है, तब शाम को वहाँ पे भी जाके बैठ सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पे इनका डोम टेंट है, इसमें आप रह सकते हो। हालांकि धूप के टाइम पे तो इसमें भाई गर्मी रहती है, उस कंडीशन में आप जो है कैफे में जाके स्टे ले सकते हो, मतलब बैठ सकते हो, खा पी सकते हो। इसके अलावा शाम को आप आ जाओ तो यहाँ पे ठंडी रहती है, और ये वाली में लोग वैसे अभी गर्मी में भी बैठ रहे हैं। तो ये है इनका हिम ट्रैक स्टे। तो आपको ये जगह कैसी लगी, आप यहाँ पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताना। गाइस, बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम इस भैया के साथ में मिलकर टेंट खोलने वाले हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। स्टे से लेकर खाना सब कुछ यहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली में फिट हो जाएगा, और नेचर के बीच पार्वती रिवर के किनारे टाइम स्पेंड करना तो और भी मज़ेदार है। तो भाई, हम अभी स्टे किए हैं हिम ट्रे स्टे पे, और ये जगह काफ़ी अच्छी है। करीब करीब जो पार्वती रिवर है उससे 200 मीटर दूर, और जो मेन वे है कसौल वाला, कसौल टू मणिकर्णिका का, मणिकरण गुरुद्वारा वहाँ का, तो उससे करीब 600 मीटर दूर है ये। यहाँ लोकल एक्सप्लोर करने पे हमें जो कुछ पता चला, लाइक ये एरिया जो है फेमस फॉर हॉस्टल्स, काफी सारे कैफे देखने को मिल जाते हैं, लोकल पार्टी साथ में यहाँ पे अगर आप आए हैं और आपको पार्टी करनी है तो आपको नाइट पार्टी की पासेस भी मिल सकती है, इवन तक आप यहाँ पे पासेस खरीद भी सकते हैं। काफी सारे कैफेज है एंड आपको हॉट ड्रिंक्स की भी शॉप्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से हॉट ड्रिंक भी परचेज कर सकते हैं एंड पी सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पर्क कैफ़े मिला, ये भी काफ़ी अच्छा कैफ़े है, लेकिन हाँ प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसके अंदर में कोई भी चीज़ का। और इसके अलावा भी 2-3 कैफेज और हैं, हमने वहाँ पे भी एक्सप्लोर किया। इवन तक ये एरिया पूरा का पूरा एकदम शांतिपूर्वक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा झगड़ा झंझट नहीं है, कुछ इशू नहीं है, आप यहाँ आराम से पूरा चिल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास में वर्क फ्रॉम होम वाला सिचुएशन है
तो आप नो डाउट यहाँ पे रह करके भी कुछ दिन पार्टी वार्टी का भी मज़े उठा सकते हैं, और वर्क फ्रॉम हेयर आप कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पार्वती रिवर, और ये हम अभी ब्रिज पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ब्रिज है, काफ़ी मज़ेदार है। वैसे तो हिल रहा है चलने में, ठीक है, और साइड से हम वाटर काफ़ी मज़ेदार आ रहा, सीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखो इधर के नज़ारे देखोगे तो एकदम गजब लग रहा है। इधर दिखाइए आप, देख रहे हैं? तो भाई यहाँ से वो एक ब्रिज है, वो वुडन वाले है, ये मेटल वाला ब्रिज है। बाकी दो ब्रिज पीछे थी जो कि टूट गई है पिछले बार जब बाढ़ आई थी, ठीक। और उधर भी कुछ कैंप साइट लगे हुए थे, वो सब तो अब हट गया है। यहाँ पे एक पर्क कैफ़े है जो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है क्योंकि यहाँ पे रिवर साइड के बगल में है जस्ट ये कैफ़े, ठीक है। और इस ब्रिज को काफ़ी लोग यूज करते हैं जो इस मेन रोड को और इस वाले पोर्शन को कनेक्ट करता है आपस में, ठीक। और वैसे इस ब्रिज पे चलने में हल्का सा तो डर लगता है लोगों को, ये हिल रही है दोनों ही तरफ से, और इसमें कोई ऐसा खास ऊपर से कोई केबल वगैरह नहीं गई हुई है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार है जगह। करके चाय मैगी वगैरह भी आपको सर्व कर सकते हैं। एंड यस आप देख सकते हैं अपोजिट साइड से कितना बढ़िया यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट लग रहा है। एक जगह पे पार्टी हो रहा है, कुछ कैफेज के लाइट्स है, तो ये काफ़ी बढ़िया नज़ारा रहता है। तो आप यहाँ पे अच्छा खासा मूड बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। एंड यस लोग जो है कुछ यहाँ पे मैगी भी बनाते हैं लाइक नदी के आसपास में। वैसे नदी के ज़्यादा पास रहना और सेल्फी वगैरह लेना यहाँ पे मना है क्योंकि पत्थरों पे लिखा रहता है बैन है। तो ये चीज़ों का मैंने आपको जानकारी दे दिया। और यस ये खतरे से खाली नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है क्योंकि धारा बहुत तेज़ रहती है और आप इसके अंदर जाके बह सकते हैं। ये हमारे स्टे वाली जगह जहाँ पे शाम के टाइम पे आपको बॉनफायर मिल जाता है। आप यहाँ पे भी चारों साइड बैठ करके आपस में कुछ गेम्स खेल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं नज़ारा आपको कैसा दिखेगा। यस एट द नाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट इफेक्ट्स नहीं रहता है, आसपास में जो जगह पे रेसिडेंशियल एरिया वहीं पे लाइट्स रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा डे वन इन कसौल। बाकी हम और भी जगह पे घूमने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आएगा। वीडियो करिए लाइक शेयर कमेंट जी हाँ, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले।